अंतर्राष्ट्रीय वास्तविक वास्तव रत्न ज्योतिषचार्य पंडित प्रशांत व्यास द्वारा भारतीय वेद संस्कृति संस्कार पुस्तक भेंट समारोह नीमच टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें वेद पुराण के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जैसे तिलक लगाना, लच्छा बांधना, स्वास्तिक बनाना, इस प्रकार की 16 संस्कार की क्रिया जो सनातन धर्म में की जाती है उनका महत्व बताया गया है। बढ़ती टेक्नोलॉजी और बदलते एजुकेशन सिस्टम के चलते भारतीय युवा पीढ़ी सनातन धर्म की शिक्षा से दूर होती जा रही है। यह पुस्तक भेंट समारोह के माध्यम से हर सनातनी धर्मी के घर में एक पुस्तक दी जा रही है। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रशांत व्यास द्वारा बताया गया है कि इस पुस्तक का अध्ययन करके अपने धर्म में जो रीति रिवाज, पूजा पाठ, जो मांगलिक कार्य होते हैं उनका महत्व व साइंटिफिक लाभ लोगों को पता चले। पंडित प्रशांत व्यास जो कि गरोट के रहने वाले हैं, पिछले 18 साल से जवाहर नगर नीमच में आध्यात्म वास्तु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र चला रहे हैं। पंडित प्रशांत व्यास 20-22 साल से भारत भ्रमण कर रहे हैं और इस तरह सनातन संस्कृति का कार्य निरंतर कर रहे हैं। बंधुओं, ये एक भारतीय वेद संस्कृति संस्कार पुस्तक का हमने संकलन किया है वेद पुराण और शास्त्रों से, और इस पुस्तक के अंदर हमने जो हम भारतीय लोग क्रिया करते हैं जन्म से मृत्यु तक, उस समय तिलक लगाना, लच्छा बांधना हाथ में, स्वास्तिक बनाना और इस प्रकार की कई 16 संस्कार की क्रिया करते सनातन धर्म में, उनका महत्व और विधान लिखा है। अगर हम उस महत्व और विधान के अनुसार अगर कोई अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ करते हैं तो उसका प्रॉपर हमको लाभ मिलता है। दूसरी बात, हमारी भारतीय संस्कृति के भारत देश के अंदर ऐसी कोई अभी फिलहाल में व्यवस्था नहीं है कि सनातनी संस्कृत की जानकारी या ज्ञान उनको प्राप्त हो, क्योंकि हम जनरल एजुकेशन विद्यार्थियों को दे रहे हैं, कोई इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बना रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी संस्कृत का जो मूल ज्ञान है कहीं ना कहीं संस्कृत वो नहीं मिलने की वजह से हमने इस पुस्तक को संकलित किया है, और ये पुस्तक भेंट समारोह के माध्यम से हर परिवार, हर सनातन, सभी भारतवासियों के एक घर में एक पुस्तक निःशुल्क दी जा रही है, जिसका वो अध्ययन करके अपने घर में जो रीति रिवाज, पूजा पाठ, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होते हैं उस समय जो हम क्रिया करते हैं उसका महत्व और विधान और साइंटिफिक लाभ उसे पता चले।